वेलकम बैक टू माय चैनल द रसोई जर्नल। आज मैं और मम्मी मिलकर सांगरी की सब्जी बनाएंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि और भी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज हम साथ में मिलकर बना पाए। तो बनाना शुरू करें, चले। ओके, तो सबसे पहले मैं ना सांगरी उबाल लेती हूँ। मम्मी ने सांगरी साफ कर दी है और मैं उसको उबलने के लिए रख देती हूँ, फिर बाद में मम्मी मेरे को बताते रहेंगे, वैसे वैसे मैं बनाती रहूँगी। बहुत अच्छी लगती है, मम्मी बनाते हैं तो मैंने सोचा आज मम्मी से सीख के मैं बनाती हूँ। तो सांगरी को साफ़ कर लिया है, इसमें खूब सारा पानी डाल दिया, मतलब 1-1.5 लीटर के आसपास पानी डाल के इसको उबलने रख दिया है। इसको ढक के उबाल लेना है, तकरीबन 10-15 मिनट लग जाएंगे इसको अच्छे से उबाल लेना है। बीच में चेक करने की जरूरत नहीं है, पानी उबल जाएगा। उसके बाद गैस को थोड़ा सा मीडियम कर देना और इसको उबलने देना। 10 मिनट हो गए थे तो अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। हाथ से ना दबा के चेक करना है, हाथ से ऐसे टूट जानी चाहिए, बस इतनी होनी चाहिए। पानी भी सारा सूख गया है, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। मैं सांगरी निचोड़ रही हूँ। उसके बाद एक स्पेशल टिप है मम्मी की, जिससे सब्जी बहुत ही टेस्टी भी बनती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। उसका है कि हाँ, लहसुन कूटते टाइम उसमें थोड़ा सा पहले डाल लेना नमक, ताकि वो लहसुन उछलता नहीं है, और सारे मसाले भी इसी में डाल लें। चलो मम्मी बताते हैं, वैसे वैसे करती हूँ। नमक डालने से फिर लहसुन उछलता नहीं है। इतना डाल? हाँ डाल दे, एक बार थोड़ा सा डाल दो। हाँ इसको कूट लो, अच्छे से पेस्ट बना लो। कूट लो ना, लहसुन तो कूट गया। मसाले इसी में डाल दो? हाँ इसी के अंदर डाल दो। क्या क्या डालना है? धनिया डालो इसमें, अच्छे से मसाला डालते हैं, जितनी चटपटी होगी फिर भी जब भी अच्छी लगती है। हाँ डाल दी, डालो मिर्ची। हाँ मिर्ची अच्छे से डाल दो। हाँ ये कम तीखी है, थोड़ी ज्यादा डालो। हाँ ज्यादा डालो, ये कश्मीरी वाली है तो ये थोड़ी तीखी। हाँ, दो चम्मच डाल लो। तो अगर तीखी हो तो फिर थोड़ी डाले ना, कश्मीरी वाली है, कलर ज्यादा अच्छा है। ये नमक और डालो, नमक कम था ना वो डालो। ठीक है, इसमें पानी डाल के घोल दो। गैस ऑन कर दिया। कौन से तेल में बनाएंगे? सरसों का तेल डालेंगे, सरसों का तेल में टेस्टी आती है, लगती है। इसमें थोड़ा सा ना ज्यादा तेल होता है तभी अच्छी लगती है, क्योंकि तेल में हाँ थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि इसमें तेल में ही रहती है ना, इसमें पानी नहीं डलेगा। तो 4 बड़े चम्मच तेल डाल। हाँ हाँ हाँ, खाने वाले 4 बड़े चम्मच। हाँ हाँ, थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दो इसमें, थोड़ा सा वो आँखों में होने लगेगा ना तेल। अच्छा, एक चुटकी डाल। हाँ एक चुटकी डाल। गर्म हो गया देखो। हाँ गर्म हो गया, ये जीरा डाल दो। इतना डाल दो? हाँ इतना डाल दो। मैं भी आपकी तरह अंदाजे से डाल देती हूँ। और क्या डालना है? थोड़ी सी हींग डालनी है, थोड़ी सी वो अजवाइन डालनी है इसके अंदर, है ना, जो जैसे गैस वगैरह नहीं बनती, थोड़ी सी अजवाइन डाल दो, थोड़ी सी। जीरा चटक जाएगा, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज, कटा हुआ प्याज डालना है। पेस्ट नहीं बनाना है, कटा हुआ नॉर्मल जैसे प्याज काटते हैं तड़के के लिए, वो प्याज काट के डालना है। अब प्याज को थोड़ा सा पका लेंगे। वैसे ना सांगरी की सब्जी में मम्मी ने कहा था कि कैर भी डलते हैं, तो कैर मेरे पास अभी थे नहीं, मैं क्या करती हूँ ड्राई फ्रूट डाल के बनाती हूँ। प्याज हल्के से भून के उसके बाद काजू डाल दिए, आप चाहो तो किशमिश है तो किशमिश भी डाल देना, और इसको थोड़ा सा पका लेना, गैस को मीडियम करके थोड़ा हल्का सा पकाना है इसको। तो प्याज जब अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद जो लहसुन का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट डाल देंगे इसमें, और इसको थोड़ा गैस मीडियम करके पकने देंगे। इस मसाले को अच्छे से पकाना है, जितना मम्मी कहते हैं कि जितना मसाला अच्छा पकता है ना सब्जी उतनी अच्छी बनती है। मसाला पक गया है, अब उसमें सांगरी जो हमने निचोड़ी थी वो सांगरी डाल देंगे सारी की सारी।
थोड़ा सा पानी डाल दो, हल्का सा पानी जो मसाला इसमें बचा हुआ है ना, वैसे वो पानी आधी चम्मच जैसे, पानी की जरूरत नहीं है वैसे। इसको रख भी सकते हैं, सब्जी 2 दिन खराब नहीं होती है सब्जी। 15-20 मिनट के लिए बस डब दो, हल्का सेम आंच करके। अभी देख रही हूँ मैं सब्जी बन गई है, बन गई कुछ अच्छे से। हाँ बन गई है, बंद कर देंगे। चेक करूंगी ना हाथ से तो ना, चेक की तो क्या कोई वो नहीं है, इसको देख लीजिए। तो गली तो पहले गल गई, आगे वो गली गली सी थी ना, तो पानी डाला था और सूख गया। हाँ सूख गया, अच्छे से हो गई। अभी सब्जी को 2-3 दिन रख सकते हैं, बंद कर देंगे इसको। ऐसे बन गई ना अच्छे से, अच्छी लगी। टेस्टी टेस्टी दिख रहा है, अभी भी जल्दी से रोटी बना के खा लो इसको। तो सांगरी की बढ़िया सी सब्जी बनके तो तैयार हो गई है, और इसको ना मेसी रोटी के साथ बनती है हमारे घर में। और मेसी रोटी के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करना, उसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी लगती है मेसी रोटी के साथ, तो बस इस रेसिपी को ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना आपके घर पर वैसे सबको बहुत पसंद आएगी। अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करना, जब आप फीडबैक लिखते हैं कमेंट सेक्शन में तो हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि बढ़िया बढ़िया रेसिपीज हम साथ में मिलकर बना पाएंगे। तब तक के लिए खाते रहो, खुश रहो, हंसते रहो। बाय बाय।